लेकिन वो कहेंगे 12 घंटा करना है तो करना है जी, खड़े खड़े काम करते करते गोड़ फूल जाते, ये है तो अपना धंधा है। अच्छा अच्छा, लगन से कौन सा जानवर जुगाली कर रही है कि नहीं कर रही है, क्यों दूध कम हो गया, क्यों नहीं खा रही है, ये तो चलिए मैं सेलिंग नहीं करूंगा, मैं फला आदमी को घर नहीं पहुंचाऊंगा जी, मैं इधर नहीं लेके जाऊंगा डेयरी, उसका दूध आने लगता है रिजेक्ट, तो उसका दूध कौड़ी का तीन बिकने लगेगा, तो उसका घाटा का उसी में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक छोटे से गांव में, जहां एक छोटे से पशुपालक जो है इस छोटे से डेयरी फार्म का संचालन करे। काफ़ी मतलब संघर्षपूर्ण कहानी है इनकी। इन्होंने जब शुरुआत किया था तो काफ़ी संघर्ष था इनके साथ में, छोटे पशुओं से इन्होंने शुरुआत किया था और आज उसी छोटे पशुओं को 16 वर्षों से इसे संचालित कर काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गाँव में डेयरी फार्म को करता है, उसको डेयरी में अगर दूध देना होता है तो इस तरीके की गाय रख करके ही डेयरी फार्म को शुरुआत करना चाहिए। तो चलिए सर का हम जानकारी लेंगे कि कितना दूध का प्रोडक्शन हो जाता है, कितनी टोटल पशु है, किस परिस्थिति में सर ने शुरुआत किया था, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ अगर कोई भाई शुरुआत करता है तो उसको किस परिस्थिति में उसने शुरुआत किया था। तो सभी चीज़ों को एक एक बारीकियों को हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। लेकिन इनका दूध गाँव में रहते हैं, आप देख सकते हैं कि पूरा इधर सिवान है, पूरा खुला है, मतलब रोड कहीं ना कहीं दूर है, तो कैसे इनका दूध का सेलिंग हो जाता है, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो चलिए सर से बात करेंगे, पूरा का पूरा बारीकी से जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो चलिए सर से बात करें, जानकारी लेने का प्रयास करें। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर जी, मेरा नाम भूपेश उपाध्याय जी, गाँव गोपालपुर, पोस्ट चिरबिली, कमालपुर, जिला चंदौली, थाना धीना। तो सर ये पशुपालन का कार्य आप कब से कर रहे हैं सर? ये सन 2008 से मैं घर से ही कर रहा हूँ। अच्छा, घर से ही कर रहे हैं? हाँ, घर से ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब शुरुआत किए थे तो मतलब क्या सोच के आपने शुरुआत की, आखिर आप इसमें क्यों आगे, इसके पहले आप क्या करते थे? पहले से ही शौक था, घर पर रखते थे पशु जी, पिताजी भी रखते थे, पहले एक दो जानवर हम लोग घर पर ही रखते थे। अच्छा, रख के करते थे। अच्छा अच्छा, तो उसी में मेरा भी मन लग गया तो मैं भी करने लगा। अच्छा, तो इसके पहले आप क्या करते थे सर? इससे पहले तो पढ़ाई लिखाई, फिर नोएडा भी काम किए ओप्पो में करते, फिर छोड़ दिए। अच्छा, एक साल किए। अच्छा, एक साल के बाद छोड़ दिए। तो आप उस जॉब को मतलब क्यों छोड़ दिया, आखिर क्या आपके मन में? वहाँ पर सर जी 12 घंटे का काम, जैसे 8 घंटे का तो काम था, लेकिन वो कहेंगे 12 घंटा करना है तो करना है जी, खड़े खड़े काम करते करते गोड़ फूल जाते, ये है तो अपना धंधा है। अच्छा अच्छा, लगन से करे 2 घंटा इस टाइम 2 घंटा इस टाइम, उतना बाहर में जो कमा रहे घर पे भी कमा लेंगे हम जी, लेकिन करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब बांध दिए, कोयर पड़ा कि नहीं, खाना वो बुखार में है, कैसे है, जानवर को हम देखे नहीं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा डेयरी फार्म। मतलब 2 घंटा शाम 2 घंटा सुबह देखना, लेकिन निरीक्षण इसका 2400 घंटा करना है। निरीक्षण तो 2400 घंटा करना ही है जी, कि हमारी कौन सा जानवर जुगाली कर रही है कि नहीं कर रही है, क्यों दूध कम हो गया, क्यों नहीं खा रही है, ये तो देखना होगा। अच्छा अच्छा, तो जैसे जब शुरुआत किए थे सर तो कितनी पशु से आपने शुरुआत की? हम 2 गाय से, मात्र 2 पशु आप लेकर के आए थे। 2 पशु कितने रुपए के खरीदे थे सर उस समय? सर जी हम 8,000-10,000 की ही गैया किने थे। अच्छा, 8-10 हज़ार का मतलब 18-20 हज़ार से ही शुरुआत किया था। तो क्या बिल्कुल घर से ही शुरुआत किया था? अच्छा, तो जैसे जब स्टार्ट किए तो परेशानी मतलब क्या आपको झेलना पड़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक घर पर सर तो ज्यादा परेशानी क्या, घर में उमस जी, उमस में क्या जानवर बीमार होना, मर जाना, यही ज्यादा परेशानी थी। अच्छा, फिर थनैला रोग का ज्यादा परेशानी, जैसे बरसात हो गया तो थनैला रोग का कार्यक्रम चालू हो जाएगा जी जी, थनैला तो जहाँ सर्द गर्म हुआ तो थनैला होगा जानवर। अच्छा, को अच्छा। बड़े थन वाली है तो उनको तो अक्सर परेशानी झेलना अच्छा। पड़ता है। तो उसका उपचार कैसे कराते थे सर? हम सर जी देखिए होम्योपैथ पर ज्यादा डिफरेंट रहते हैं। अच्छा, जर्मन होम्योपैथ, जर्मन हाँ, जब जाने के अब नहीं थमने वाला है थन जी जी, तब जोस्टिम टीका मरवाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं तो नहीं मरवाते। तो जैसे आप अपनी डेयरी में सर कितने लीटर वाली पशु रखना पसंद करते हैं? जी देखिए 10+ भी रखता हूँ जी, जैसे 10+ 8-10 गैया हो गई। अच्छा, 10+ 8-10 गैया होगी, कोई 7 लीटर 6 लीटर। अच्छा, ये नहीं कि 3 लीटर 2 लीटर वाला रखता हूँ। अच्छा, 7 लीटर 8 लीटर वाला भी रखता हूँ, मतलब दोनों टाइम 20 लीटर 14 लीटर वाली रखते हैं। हाँ, इसी के बीच में रखना पसंद करते हैं। तो सर बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि हम इस तरह का अगर छोटी छोटी गाय रखेंगे तो डेयरी में हमको मुनाफा नहीं होगा,
तो क्या आपके साथ मुनाफा हो पाता है नहीं हो पाता जी? देखिए, मुनाफा करने वाला रहेगा बंदा तो कहीं भी मुनाफा कर लेगा। अच्छा, जैसे सेलिंग उसका अच्छा है जी, तो उसी में खुशहाली उसको आ जाएगा। अच्छा, अब सोचेंगे कि चलिए मैं सेलिंग नहीं करूंगा, मैं फला आदमी को घर नहीं पहुंचाऊंगा जी, मैं इधर नहीं लेके जाऊंगा, डेयरी पे दूंगा, तो नहीं, मुनाफा थोड़ा कम होगा, उतना नहीं होगा। अच्छा, तो डेयरी घाटे में जाएगी। अच्छा, तो छोटे छोटे मतलब पशु क्यों रखना पसंद करते हैं, 14 लीटर 20 लीटर, और इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है सर जी कि फैटनेस। अच्छा, पतला दूध मोटा दूध। अच्छा, तो छोटा पशु का जो दूध उसमें मिला देते हैं, इस तरह हम लोग को फैट भी मिल जाता है बढ़िया। अच्छा, स्नेप भी मिल जाता है। अच्छा, कोई भी बंदा जाता है दूध किनने, डेयरी से ही किनता है जी, उसको 4 फैट 8 स्नेप का दूध चाहता है। अच्छा, डॉक्टर भी बच्चे को बोलते हैं 4 फैट 8 स्नेप का गाय का दूध रहना चाहिए जी जी जी। अब मैं 10+ का दे दिया, वो क्या हुआ, 2 70 8 नहीं आया फैट, 7 70 80 आया स्नेप, दूध रिजेक्ट मार देगा। अच्छा, मतलब कहने के फैट स्नेप के लिए आप इतनी छोटी गाय रखते हैं? हाँ, रखते हैं। अच्छा, तो अब कितनी पशु आप रखे हुए हैं टोटल सर अभी? इस समय मेरे पास 19 जानवर है, भैंस 2 है। अच्छा, तो 19 जानवर में दूध कितना निकाल रहे हैं सर? इस समय मेरे पास 90 लीटर दोनों मीटिंग का दूध है, जिसमें 5 जानवर दूध नहीं दे रही। अच्छा, 90 लीटर है, 90 लीटर दूध किस रेट से जाता है सर? इस समय 39-40 वही जा रहा है। तो मतलब कहाँ सेल करते हैं, कस्टमर को सेल? कस्टमर को भी कुछ सेल हो जाता है, कुछ गाँव में ही जाता है। अच्छा, तो गाँव में भी उसी रेट से जाता है। अच्छा, तो मतलब डेयरी वगैरह में भी देते हैं कुछ दूध? हाँ, डेयरी में काशी मिल्क प्रोड्यूसर है, तो मतलब वहाँ अच्छा रेट मिल जाता है। अच्छा रेट मिल जाता है, उसमें 2 सुविधा है सर जी, जैसे हमारी गाय हिट में आई जी, NDDV का बढ़िया सीमन। अच्छा, 50 रुपये में देगा जी। मिनरल पाउडर जाएंगे बाजार ले, मार्केट लेंगे, 200 से नीचे कोई मिनरल नहीं है। अच्छा, 190 से 200 के बीच में कोई, वो हमको 100 रुपये में मिनरल देगा कंपनी जी। यूरिया, बे यूरिया वाला भी खरीद ही दे देगा, काशी नाम से है जी, NDDV काशी के नाम से खरी है, वो 1300 रुपये बोरी में दे देगा। तो मतलब कहीं ना कहीं डेयरी से जुड़ने का ये आपका बेनिफिट मिला, तब आप जुड़े उससे। अच्छा, उसमें शेयरिंग भी कटता है सर जी। अच्छा अच्छा, तो वो शेयरिंग का भी पैसा देता है, बोनस भी देता है जी। तो मतलब 39-40 रुपये लीटर दूध बेच करके आप मुनाफा ले पा रहे हैं? मुनाफा ले पा रहे हैं। तो खर्चा कितना करते हैं सर 39 रुपये अगर 90 का हिसाब से, तो 90 लीटर दूध आपका हमेशा रहता है क्या? रहता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, बच्चा दे देंगी तो ऊपर जाएगा, ऊपर भी जाता है। हाँ, और ये लिमिट डाल लीजिए कि मैं महीने का बचाने का कोशिश करता हूँ, 20,000 बच गया बहुत है। अच्छा, 20,000 प्रयास करते हैं कि बच जाए बस। अच्छा, जब पूरा जानवर हो जाएंगी दूध पर, तो हमको 30 से 50 हजार रुपये महीने। अच्छा, 50,000 भी मतलब बच जाता है। मैं इनको 90,000 महीने का खिलाता हूँ। अच्छा, घाटा हो या नफा हो जी, खिलाना उतना है, उतना हमको टारगेट है कि इतना खिलाऊंगा तब पशु मेरा स्वस्थ रहेंगे। उसके ऊपर जो बचा वो आपका रहा? हाँ, उसके ऊपर जो बचा 10,000 बचे या 20,000 बचे वो मेरा रहेगा। मतलब सबसे ज्यादा 50, सबसे कम 20 मतलब हाँ, आता है ये आपका बचत में। तो ये तो होगी सर आपके बचत और खिलाने की। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या इनको खिलाते हैं आखिर गाँव में रह करके? क्या देखिए, काशी का भी खिला देता हूँ खरी। अच्छा, पिन भर में एनर्जी प्लस आता है जी, चोकर देता हूँ, चना का चुनी जी, रहर का चुनी, मकई का आटा, यही मेरा है। पिन भर में इनको जैसे खा पी लें जी, जब बैठने का या टाइम आ गया, 8 बज गया 7 बज जाएगा, तो इनको गुड़ का रस बना के, अच्छा, उसमें जौ का आटा ठंडाई के लिए, गर्मी का दिन है भाई। अच्छा अच्छा, ठंडाई के लिए इनको ये देता हूँ दोनों टाइम जी, ये नहीं कि एक मीटिंग, गुड़ मेरा बरहोमास चलता है। अच्छा, गुड़ आपका पूरे साल? हाँ, पूरे साल। अच्छा, तो गुड़ मतलब कितना 19 गाय में कितना गुड़ खिलाते हैं? देखिए, हमारा 2 PT आता है तो 10 दिन चलता है। अच्छा, और उसमें कि मतलब जैसे अगर एक गाय को देखा जाए तो कितना गुड़ और कितना जई का आटा उसमें होता है? हम उसको 100 ग्राम के मात्रा देते हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा, सोचता हूँ कि 100 ग्राम गुड़ का दूं, आपा भर जौ का आटा। उससे क्या फायदा होता है सर? उससे ये फायदा, पेट में ठंडाई रहेगा, दूध का कैपेसिटी बनना रहता है। अच्छा, दूध का कैपेसिटी बढ़ता है। हाँ। अच्छा,
तो इससे खिलाने का घाटा मतलब आपको कुछ दिखा कि नहीं, जैसे लंबे समय के बाद कुछ घाटा दिखा कि नहीं दिखा? घाटा लगा जब ज्यादा डाइटिंग में हो जाती है, बैठ जाती है जानवर, तो उसमें हमको टूटी भी गया है, ये नहीं कि नहीं गया। नहीं, ये नहीं, जैसे आप जो देते हैं जई और गुड़, तो वो खिलाने का कुछ नुकसान दिखता है कि नहीं? नहीं नुकसान तो नहीं दिखता, उसका कोई नुकसान नहीं नहीं फायदा उसमें लगता है भाई अच्छा जी। तो जी जो भी गाय हम खरीद के लाते हैं अपने यहाँ खान पान देते हैं, 10 दिन के अंदर मेरे पास वो वहां पर 2 लीटर दे रही था, हमारे पे क्या आई के 5 लीटर के 6 लीटर एक मीटिंग दे। सभी पशु मतलब समय से हीट में आ जाती है कि नहीं आ जाती है सर? देखिए सभी पशु आती हैं, जितने लोग का नहीं रुकते हैं वो भी मैं पशु ले लेता हूँ। अच्छा, नहीं रुकती है उसको भी आप खरीद लेते हैं? खरीद लेता हूँ। अच्छा, वो क्या करेंगे बेच देंगे जी, चल जाएंगे बेचारी कट जाएंगे ये जी, गलत जगह पे, गलत जगह, तो उस पशु को भी मैं उठा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर खान पान बढ़िया करूंगा उनको, देखूंगा एक बार हीट होंगी जी, मिनरल उनर रुक गई तो रुक गई, नहीं तो उनको सफाईया करवा के मैं रोक लेता हूँ। अच्छा, मतलब रुकवा लेते हैं? हाँ, रुक उसको हीट में। अच्छा, हाँ, फिर अगले बयान में उसका दूध अच्छा निकाल लेते हैं? अच्छा, दूध आपके पास में ही है गाय, देख लीजिए। अच्छा, इसको 9,000 रुपए में लिए थे, वो भी गलत जगह हाथ लग रही थी। अच्छा, मैं लिया 9,000 के 2.5 kg दूध जी, हमारे यहाँ 6-6 लीटर दूध दे के, इस समय भी 8 लीटर 9 लीटर है एक टाइम का, 8-9 लीटर के दोनों टाइम का? दोनों टाइम का, दोनों टाइम का। बच्चा देती तो एक मीटिंग का 12 लीटर दूध देती है। अच्छा, तो चलिए ये भी एक आप मतलब पुण्य का काम कर रहे हैं ना गायों के साथ में, कि उनको गलत हाथों में नहीं जाने दे रहे हैं जी। जी, तो ये तो हो गई सर आपका हिट में समय से आ जाता है। अब बहुत सारे सर हमने देखा है कि लोग यूट्यूब देख करके डेयरी फार्म की शुरुआत कर देते हैं, पता चलता है कुछ समय के बाद बंद कर दिए, तो उसके पीछे क्या कारण हो पाता है सर? देखिए सर, वो रख रखाव में थोड़ा, जैसे हम बोले ना कि कितने लोग कहते हैं छोटा पशु नहीं रखेंगे बड़ा पशु रखेंगे, एक छोटा पशु में घाटे का सौदा जी, वहीं पर मार खा जाते हैं। अच्छा, अब उनको क्या है, वो तो शुरुआत करेंगे, हम भी करें या कोई भी करे, बंदा करता है तो डेयरी के निर्भर पर लेता है जी, जिस गाँव में डेयरी है वो सोचता है चलो 10 गैया बांधे जी, मैं डेयरी पर दूध दूंगा। अच्छा, वो बंदा ले लेता है 10+ जी, उसका दूध आने लगता है रिजेक्ट, तो उसका दूध कौड़ी का 3 जी बिकने लगेगा। अच्छा, तो उसका घाटा का। अच्छा, उसी में वो 2 10+ ले, मैं बोलूंगा 4 गैया से स्टार्ट करे जी, और 2 15 लीटर के बीच में ले, दोनों मीटिंग का 15 लीटर। अच्छा, उसका फैट स्नैप भी आएगा। अच्छा, वो नफा भी पाएगा। तो अभी तो बहुत गर्मी मतलब है सर, तो गर्मियों में कुछ स्पेशल ध्यान देते हैं क्या पशुओं को अपना? यही गर्मी में यही गुड़ जौ का आटा धोना होना इनके रख रखाव में, यही देखना पड़ता है। अच्छा, इतना गर्मी पड़ा कितने पशु मर गए जी, अगल बगल गांव में भी सुना कि ये फला आदमी का पशु बैठ गया उठा ही नहीं। अच्छा, मर गए जी, लेकिन यहाँ पर नहीं, जब ले मैं खुलता बनवा दिया हूँ बहुत बढ़िया, हमको यूट्यूब से ही देख के बनवाया हूँ। अच्छा, ये यूट्यूब से देख कर? हाँ, यूट्यूब से ही देख के बनाया हूँ। अच्छा अच्छा, खुलता में हवा बाहर जी क्रॉस करेगा कोई भी जानवर, हम मेरा ये नहीं कि लार गिरा रहा है ये कर रहा है वो, ये समस्या नहीं होती। तो जैसे हरा चारा पूरे साल मिलता है कि नहीं? गांव में रहते हैं फिर भी नहीं मिलता? अभी नहीं मिलता है। तो हरा चारा के बदले कैल्शियम मिनरल देते हैं? हाँ, मिनरल बरहोमास देते हैं। अच्छा, तो जैसे एक समस्या सर हमने देखा है कि पशुओं में जेर फंस जाता है, जेर अटक जाता है जी, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ सर? जी, होता है। अच्छा, तो उसका क्या कैसे उपचार करते हैं? अभी तो डॉक्टर बहुत है, डॉक्टर सुई भी मार देते हैं, नहीं तो डिफ्लेंटा पाउडर एक आता है। अच्छा, उसको दे देते हैं तो बिक देती है। अच्छा, तो मतलब अमूमन कितने समय के बाद जेर निकाल देना चाहिए बच्चा देने के? हम 4 घंटा तक इंतजार करते हैं। अच्छा, हाथ ले निकलवाते भी नहीं है। अच्छा, जैसे फंस गया तो फंस गया, तो उसके लिए इट्रोजन है, फिर ये हम दवा बहुत है, वो देते रहिए, वो गिरा देगी कट कट के, लेकिन फिर बाद में डॉक्टर को बुला के उसको दवा भी छुड़वाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो चलिए बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर हमारे दर्शकों के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये जानकारी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अंत में नए पशुपालकों के लिए क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं यही देना चाहता हूँ भैया, कोई के बहकावे में आके ये ना कि मैं चलो डेयरी खुल गया है मैं 10 गैया ले लूँ 10+ जी, थोड़ा अपना दिमाग से, अपने दिमाग से, अपने दिमाग से 2 ही गैया जी, ये नहीं कि मेरा यूट्यूब देखे कि भूपेश भाई इतना बांध लिया है उतना कमा रहा है, ये नहीं जी। अपना देख ले कि बिक्री अनुसार कितना है मेरे पास, हाँ क्षमता की हम 10 किलोमीटर भी दूध पहुंचा सकते हैं, 20 किलोमीटर मैं तो 50-50 किलोमीटर दूध पहुंचाया। अच्छा, लेकिन कितने लोग हैं ब्राह्मण समाज में, मैं नहीं जाऊंगा लेकिन। अच्छा, मतलब शर्म आता है करने में? हाँ, कि
तो जिसको सर माता हो देरी नहीं करे, सीधी सी बात है। हमको नहीं, हमको आप कहेंगे चंदौली ले जाना है, यहाँ से 30 किलोमीटर है चंदौली, मैं चंदौली भी लेके चला जाऊँ। अच्छा, हमको पैसा बढ़िया मिलना चाहिए दूध का, जी जी मैं चंदौली भी पहुँचा दूंगा।